السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نبدلنا الزبرة وإنا له لحافظون. قابل سادة الكرام، علماء الكرام، اور فضيلة الشيخ أصغر الإمام مهدي سلفي حفظه الله، अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद, मैं सूबाई जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र की जानिब से समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारी मरकजी क़ियादत के अमीर और उन तमाम जिम्मेदारान को जिन्होंने अपनी तगोदो और कोशिशों के साथ इस अजीम शान मुसाबका हिफ्ज़ कुरान करीम को मुनक़्क़िद किया। और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मरकज़ी क़ियादत को ऐसे ही कायम व दायम बनाए और मज़ीद इस तरह से मुसाबक़ात को मुनक़्क़िद करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने गुज़ारिश करूँगा नायब शेख रियाज़ अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, नायब नाज़िम मरकज़ी जमीयत सिंध और शेखुल जामिया जामिया बहरा लाहौर बागल से आप तशरीफ लाएं और अपने तासुरात से मुस्तफीद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु व सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिही व सहबिही अजमाईन। अम्मा बाद, قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام من بيد ربه اخرين. حضرات العلماء الكرام، مرکز جمعیت اہل حدیث سندھ کے ذمہ داران، اراکین، مجلسِ عاملہ اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے لیے عزیز طلبا، मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के खदमात यूँ तो गुनागू हैं, हुआ है और उसकी खदमात की एक कड़ी की मुसाबका भी है जो बहुत ही पाबंदी के साथ और इहतमाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़्क़िद होता रहता है। और इस मुसाबके का मकसद ये है कि हम उस अजीम किताब से जुड़ें जिस किताब ने इंसानियत के रुख को मोड़ दिया, उससे हम जुड़ जाएं, उससे हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाए, ये मकसद है। और हमें इस मकसद के हुसूल की कोशिश करनी है। बहरहाल ये अजीम तरीन खिदमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर अता फरमाए जमीयत के जिम्मेदारान को जो ये अजीम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के दिलों को कुरान करीम के साथ जोड़ दे, जैसे हमारे असलाफ का ताल्लुक था इस अजीम किताब से। चुनांचे किसी से पूछा गया किसी मौके से कि सलफ का ताल्लुक कुरान करीम से कैसा था, तो जवाब दिया कि जैसे आज तुम्हारा ताल्लुक मोबाइल से है उसी तरह सलफ का ताल्लुक कुरान करीम से था। ये ताल्लुक था सलफ का और इस किताब से ताल्लुक की बुनियाद ही पर वो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा नेकनाम हुए और बहुत ही ज़्यादा इज्जत सरफराज हुए। और आज हमने जो ताल्लुक को कमज़ोर कर दिया है उसी ताल्लुक को मजबूत करने के लिए ये सिलसिला है। अल्लाह ताला इसमें सबको कामयाबी अता फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। हमारी है जनाब मौलाना शकील आलम खान साहब जामी अमीर शेख हैदराबाद से खराबाद की आप तशरीफ लाएँ और अपने तासुरात इस प्रोग्राम के ताल्लुक से पेश फरमाएँ, प्रोग्राम ही के ताल्लुक से तासुरात पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल नबिल करीम। अम्मा बाद, सदर इजलास ज़िवाखर उलमाए किराम, हमायदीन अख़्वाब मिल्लत, मुआज़्ज़ज़ हाज़रीन, अज़ीज़ तलबा, ये मौका हम तमाम के लिए इंतहाई मसरत और ख़ुशी का मौका है कि
कि आज हम एक अजीम मजलिस में शरीक हुए हैं। मैं मुख्तसर तौर पर यही कहूँगा कि आज उम्मत की अक्सरियत दूर दीन से दूर होती जा रही है। ये अल्लाह तबारक तआला का फ़ज़्ल और एहसान है कि उसने हमें इस दीन के लिए मुंतखब फरमा लिया, जो दीन सबसे सच्चा दीन है, जो आसमान से नाज़िल करदा है, जो मुकम्मल दीन है और जो हमारी ज़िंदगी के सारे मसाइल पेश करने वाला है, सारे मसाइल का हल इस दीन के अंदर है। इसके लिए हमें चुन लिया, मुंतखब फरमा लिया और उसी का एक नतीजा है कि मरकज़ जमीयत अहले हदीस हिंद ने इस दीन की नशो इशाअत और इसकी तरवीज के लिए ये 20वां मुसाबिका हिफ्ज़-ए-कुरान मुनक़िद किया और एक जमे गफीर यहाँ पर तलबा का हुफाज का नज़र आ रहा है। यकीनन ये काबिल मुबारकबाद है, ये हमारी जिम्मेदारी है जो इस अंदाज से अदा की जा रही है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला इस अजीम काम को कबूल फरमाए और इसमें इखलास अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब मुफ्ती जमील अहमद मदनी साहब का तौरा उस्ताद रिमात दरानी तखसस की दरासत इस्लामिया मरकजी जमीयत सिंध से आप तशरीफ लाएँ। आप मुफ्ती भी हैं मरकज के, आप तशरीफ लाएँ और प्रोग्राम ही के ताल्लुक से अपने तासर पेश करूँ। अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं कि कुरान से जुड़ने वाला और कुरान से ताल्लुक रखने वाला जो भी इंसान रहा, अल्लाह तबारक तआला ने हमेशा उसे बुलंदी हासिल दी है। इसलिए हम अजीज तलबा से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हजरात अपने आप को एक नहायत ही खुशनसीब और अपने वालदेन के लिए एक उम्दा समझ के ज़खीरे आखर बन रही हैं। अगर आपने कुरान को सही तरीके पर पढ़ा और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मुस्ताक करेंगे जिसमें ये कहा गया है
इसमें आप ये जिस तरह से आपने कुरान को अपने सीनों में महफूज रखा है, अमली तौर पर भी उसकी तरफ तवज्जो दें और उसको हिफाजत के लिए हर मुमकिन अपनी कोशिश जारी रखें। अल्लाह ताला हम सब को सही मानों में इल्म के साथ साथ अमल और इखलास की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।